وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء کرام اور بہت ہی قدر و احترام کے لائق شہر اورنگ آباد کے خواص دانشور حضرات اساتذہ کرام اور دیگر پروفیشنل حضرات قوموں کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں اگر قوم اپنے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کرتی ہے منصوبہ بندی اور اجتماعیت کے ساتھ کرتی ہے تو بڑے سے بڑا چیلنج اس قوم کی کے لیے ترقیوں اور مضبوطی کے نئے دروازے کھولتے ہیں یہ انسان کی عجیب فطرت ہے کہ اس کو زیادہ تر کامیابیاں ناکامیوں ہی کے ذریعے سے ملتی ہیں بشرطے کہ اس بظاہر ایک منفی اور نگیٹو مرحلے سے وہ انسان صحیح طور پر گزرے افراد پر بھی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں ہر شخص پر بہت ناخوشگوار حالات بھی آتے ہیں لیکن جس فرد کی تربیت ہوئی ہوتی ہے جس کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے کہ وہ ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کیسے کرے وہ فرد ان ناخوشگوار حالات کا مقابلہ بہت کامیابی کے ساتھ کرتا ہے اور وہی ناخوشگوار حالات اس کے لیے نئے خوشگوار حالات کا آغاز کرتے ہیں یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کچھ لوگ غور کرتے ہیں کچھ لوگ غور نہیں کرتے کچھ لوگ اپنی ذاتی تجربوں سے قیمتی نتیجے اخذ کرتے ہیں سبق سیکھتے ہیں کچھ لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور ہر حال کو قسمت کا ایک کھیل اور اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے اسی طرح افراد پر خوشیوں کے کامیابیوں کے بھی حالات آتے ہیں اور اگر کسی فرد کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی اس کی عقل پختہ نہیں ہوتی میچورٹی نہیں ہوتی اس کے اندر تو وہ کامیابی ملتے ہی اترانے لگتا ہے بڑے بڑے بول بولنے لگتا ہے اور تھوڑے دن کے بعد وہ کامیابی رخصت ہونے لگتی ہے اس کے برعکس جس فرد کی تربیت ہوئی ہوتی ہے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی کامیابی ملنے کے بعد بھی بہت معتدل نفسیاتی کیفیت میں رہتا ہے کوئی بڑے بول نہیں بولتا دعوے نہیں کرتا
मिसयूज नहीं करता, अब्यूज नहीं करता। सामने पता नहीं क्या जरूरत है इसकी, हमारे यहाँ शौक ज्यादा होता है माइक बढ़ाने का, पता नहीं कोई जरूरत भी है या सिर्फ शौक है। ये दो दो माइक इस बाहर आवाज नहीं पहुंचा पा रहे। चले जी। और जिस फर्द की जिंदगी में कोई नाकामी, कोई सेटबैक, कोई सदमा, कोई शिकस्त, कोई डिसअपॉइंटिंग तजुर्बा आता है, वो भी दो किस्म का इंसान होता है। अगर तरबियत हुई है, मैच्योरिटी है, अक्ल पुख्ता है, तो उस नाकामी से वो कतन मायूस नहीं होता, ना गुस्से में आता है ना मायूस होता है, ना फ्रस्ट्रेटेड होता है और ना कोई इंतकाम की नफ्सियात में मुब्तला होता है। वो सेल्फ़ एनालिसिस करता है, अपना तज्जिया करता है कि मुझसे क्या कमी रह गई कोशिश करने में, क्या गलती मुझसे हुई जिसकी वजह से मुझे इस नाकामी का सामना करना पड़ा। और फिर वो बहुत ही मुस्बत नफ्सियात के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी उन गलतियों को दुरुस्त करने में लग जाता है और अल्टीमेटली उसकी नाकामी कामयाबी से बदल कर रहती है। अन्ना लिल इंसानी मा सा लई सलील इंसान इल्ला मा सा व अन्न सयहू सौफ युरा। अल्लाह ताला ने अपना एक सिस्टम डिक्लेयर किया है कि इंसान को ज़िंदगी में जो कुछ भी हालात आते हैं उसकी अपनी कोशिशों और तदबीरों का नतीजा होते हैं, और इंसान की कोशिश कभी रायगा नहीं जाती, उसके असरात ज़रूर दिखाई पड़ते। यही हाल कौमों का होता है। किसी कौम की ज़िंदगी में कामयाबी आए, वो बहुत पावर कैप्चर कर ले, उसके पास रिसोर्सेज हो जाएं, ताकत आ जाए, इख्तदार आ जाए, तो अगर वो तरबियत याफ्ता और मैच्योर हैं तो वो सर झुका कर उस नई जिम्मेदारी को कबूल करती है वो कौम। वो फ़ख्र की नफ्सियात में, घमंड में, गुरूर में, बड़े बोल में और उस ताकत के गलत इस्तेमाल की गलतियों में मुब्तला नहीं होती। और अगर उसकी तरबियत नहीं हुई है, उसमें इमैच्योरिटी है, वो नापुख्ता अक्ल लगती है वो कौम, तो फिर अपनी ताकत का में गुरूर, एक घमंड, गलत इस्तेमाल वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल फितरी तौर पर उस कौम में आता है और बिलआखिर बहुत जल्दी उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाती और हालात बदल जाते। तो हालात का मुकाबला करने का 100% दारोमदार और इंहिसार इस बात पर है कि कौम इसके लिए नफ्सियाती और मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं, वो एजुकेटेड है कि नहीं, वो मैच्योर है कि नहीं, ये है असल मसला। हमारे सामने हम इस वक्त तारीख के एक बहुत ही चैलेंजिंग मरहले में दाखिल हुए, आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी। पूरी तारीख में इतने सख्त हालात कभी नहीं आए। इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि कौम को इन हालात के मुकाबले के लिए ज़रूरी तरबियत दी जाए। उनको एजुकेट किया जाए, अकली तौर पर पुख्ता किया जाए। जो कौमों के अंदर
किसी कौम के अंदर जो हालात में गिरफ्तार हो, अगर उसके अंदर नापुख्तगी और इमैच्योरिटी नज़र आए तो उसको बहुत अक्लमंदी के साथ मुस्तकिल मेहनत करके उस नापुख्तगी को दूर किया जाए। इस सिलसिले में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो आयद होती है वो उलमा के बाद इंटेलेक्चुअल्स पर आयद होती है, खवास और दानिश्वरों पर आयद होती है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिस कौम के दानिश्वर हजरात, जिस कौम के इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल्स, वो ज़हनी तौर पर पुख्ता हो जाते हैं, अकली तौर पर मैच्योर हो जाते हैं, वो उस कौम के अवाम तक वो पुख्तगी का सबक फैलने लगता है। और जिस कौम के उलमा और जिस कौम के दानिश्वर वो ख़ुद नापुख्ता रहें, उनमें ही खुद इमैच्योरिटी रहे, उनमें तज़ब्ज़ुब की, शक की, खौफ की नफ्सियात रहे, जिनको सोसाइटी को उनके सवालों के जवाबात देने थे वो ख़ुद मुजस्सम सवाल बन जाएं, उनकी समझ में ही ना आ रहा हो कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ना उनकी समझ में आ रहा हो कि इन हालात का मुकाबला हमें किस तरह करना चाहिए, तो फिर आवाम से आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इस किस्म की नशिस्तें ये रिवायती और रूटीन किस्म के वाज़ो नसीहत या तकरीरें या बयानात के किस्म की नशिस्तें नहीं हैं। ये बहुत ही हसास मौजू पर, हसास तरीन ज़माने में बुलाई गई नशिस्तें हैं और ये उस शख्स की ज़िम्मेदारी होती है, हर उस शख्स की जिसमें आप जैसे आली इस्तेदाद दानिश्वरों के सामने कुछ बात करने का जिस पर बार डाला जाए, ज़िम्मेदारी डाली जाए, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि एक लफ्ज़ भी वो ज़रूरत से ज़ायद न बोले, टू द पॉइंट बात करें, सीधे सीधे टच करे और हिट करे असल मौजू को, और रोमांटिक किस्म की, ख्याली किस्म की कोई बात कभी न की जाए। बात हो लॉजिकल, बात हो रेशनल, बात हो साइंटिफिक और एकेडमिक, बात हो मुदल्लल, और बात हो 100% प्रैक्टिकल। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि अभी हम इस वक्त बच्चों का मुसाबक़े कुरान सुन रहे थे और ये उसका सिलसिला चल रहा है। सुबह भी उसकी एक नशिस्त थी, इस वक्त भी उसकी एक नशिस्त हुई। ये जो अभी हम फ़िलहाल अपने मुल्क में, मैं आलमी सतह पर की बात करने के बजाय अपने मुल्क की सतह की बात करूँगा, ये जो फ़िलहाल अभी अल्लाह के करम से हमारे मुल्क में ये सहूलत हासिल है कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, मदारिसे और मकतब खोलिए, मस्जिदों में इवनिंग क्लासेस चलाइए, बच्चों और बच्चियों को अपनी ज़रूरी दीनी तालीम दीजिए, दीनी इज्तिमात कीजिए, मज़हबी सरगर्मियाँ कीजिए। ये जो सहूलत हासिल है ये असल में दरअसल इस वजह से हासिल है कि मुल्क एक दस्तूर के मातहत चल रहा है, मुल्क को एक बाहमी मुआहदे से तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक तय चलाना तय किया गया था जब ये मुल्क एक बैरूनी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। दस्तूरी तहफ़ुज़ात और आज़ादियों और यकीन दहानियों के बावजूद मुल्क में जिस तरह इस वक्त कमज़ोरों और मज़लूमों पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं,
उनकी तफसील के बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तब हो रहा है जबकि दस्तूर इसमें से किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहुत पहले हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया मिस्टर आर के नारायणन ने पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का मुश्तरक इजलास से ख़िताब करते हुए कहा था कि हमारे खराबी हमारे दस्तूर की खराबी नहीं है, खराबी उन लोगों की है जिनको दस्तूर को नाफिज करने की जिम्मेदारी मुल्क के आवाम देते हैं, उनकी खराबी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ अपनी गुफ्तगू के शुरू में कि जब दस्तूर की ऐसी वाज़ह दफ़ात की मौजूदगी में जिसमें मुल्क के तमाम शहरियों को यकसा हुकूक़ हासिल हैं, मज़हब तहज़ीब ज़ुबान लिसान लिसानी बुनियाद किसी बुनियाद पर जिन्स की बुनियाद पर किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं की जा सकती, बुनियादी हुकूक़ की दफ़ात माहिरीन दस्तूर कहते हैं कि दुनिया के दस्तूरों में सबसे बेहतर दफ़ात भारत के दस्तूर में हैं। तब ये सूरत हाल है कि इस कदर रोज़ाना कई सौ और कई हज़ार लोगों की बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, नौजवानों को बिल्कुल बेगुनाह नौजवानों को बदतरीन इल्ज़ामात लगाकर जेलों में ठूस दिया जाता है, राह चलते लोगों को मारा जाता है, अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए एक जानवर खरीद कर ले जाने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है, नौजवानों को किसी कार से बांध कर और उनको नंगा करके बरसरआम बुरी तरह मार कर उनका वीडियो बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है, वगैरह वगैरह। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये तब हो रहा है जबकि अभी वो दस्तूर की दफ़ात बदस्तूर कायम है। तसव्वुर कीजिए उस वक्त का जब दस्तूर की ये दफ़ात ही बदल दी जाएंगे, जब बुनियादी हुकूक ही महदूद कर दिए जाएंगे, जब दस्तूरी तौर पर मुल्क की गालिब अक्सरियत को दूसरे नंबर का शहरी डिक्लेयर कर दिया जाए, हमारे जिस तबके को बहुत बाखबर रहना चाहिए चूंकि उसकी बाखबरी का ज़रिया सिर्फ मीडिया है और मीडिया बाखबर करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, मीडिया बेखबर रखने वाला इंस्टीट्यूशन है। हकीकी खबरें मीडिया के ज़रिए कभी नहीं आती, कैसे आएंगे? आप सोचिए कि हमारे मुल्क के 24 आवर्स के न्यूज़ चैनल्स टीवी के उनका एक ही मालिक है और वह है रिलायंस कंपनी। 27 टीवी चैनल्स जो 24 आवर्स के न्यूज़ चैनल्स हैं उनके 100% जो शेयर्स हैं वो रिलायंस कंपनी ने ख़रीद लिए हैं। और आलमी सहयूनियत से जिस तरह का राबता है रिलायंस फैमिली का, उसे कम से कम पढ़े लिखे लोगों से उसको वाकिफ होना चाहिए कि वो कहाँ से डिक्टेट होते हैं और पॉलिसियाँ मुल्क की चलाने में उनका कितना बड़ा रोल होता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि एक नया दस्तूर का ड्राफ्ट लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा जाएगा ये भी नहीं कह रहा हूँ, अपनी यकीनी इत्तिलात की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ, एक नए दस्तूर का मुसवदा लिखकर तैयार किया जा चुका है। सिर्फ 2019 के इलेक्शन का इंतज़ार है, उसके बाद वो नया दस्तूर नाफिज होगा जिस दस्तूर के ज़रिए से इस मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाएगा।
उस वक्त आप अंदाजा कीजिए, बच्चों को कुरान का पढ़ाना, मदरसों और मकतबों का चलाना, मस्जिदों का आज़ादी के साथ उसके नज़्म का चलाना और मुख्तलिफ दीनी इस्लामी मज़हबी सरगर्मियाँ किस कदर मुश्किल हो जाएंगी। काश कि आप उसका कुछ तसव्वुर करके थोड़ी सी बेचैनी आपके सीने में पैदा होती। मैं डराने और मायूस करने के लिए हरगिज़ ये बातें नहीं कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं शायद मुल्क का सबसे ज़्यादा पुरुम्मीद इंसान हूँ। मुझे इस्लाम और अहले ईमान का और तमाम मजलूमों का मुल्क में बहुत रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, लेकिन वो तब है जब हम उस रोशन मुस्तकबिल के बरामद करने के लिए खुलूस नीयत के साथ, सलीकेबंदी के साथ, मंसूबाबंदी के साथ हम अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करें और जो ज़रूरी काम हैं जमहूरी और आइनी तरीक़े पर अपने मुल्क को एक तबाही के जहन्नम में जाने से बचाने के लिए वो हम करें। जब ख़तरात का तذکرہ आया है तो मैं ये बात भी अर्ज़ करूं कि ख़तरात का तذکرہ आपके लिए कोई नया नहीं। हर शख्स आजकल कुछ न कुछ ख़तरात महसूस कर रहा है, हर शख्स महसूस कर रहा है कि सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है और हम एक ख़तरनाक मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन ख़तरात के साथ साथ, इन ख़तरात के मान पीछे जो रोशन इम्कानात हैं उन्हें ज़रा वजाहत के साथ अर्ज़ करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि इम्कानात की तरफ तवज्जो मीडिया के ज़रिए से नहीं जा रही, मीडिया सिर्फ ख़तरात को हाईलाइट कर रहा है और उसकी एक वजह है, होती है, एक मकसद होता है कौम को मायूस करना। कौम की जो एक स्पिरिट होती है उसको तोड़ देना, ये बहुत सोची समझी कोशिश होती है और असल लड़ाई तो असल में नफ्सियाती लड़ाई होती है। इसीलिए कुरान ने कहा है कि अंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम अपनी जहनी तौर पर, अकली तौर पर, नफ्सियाती तौर पर अगर तुम मजबूत रहे तो कुछ भी हालात आ जाएं माशी और सियासी तौर पर बिल आखिर तुम ही कामयाब हो। क्योंकि असल लड़ाई कोई भी कौम जो लड़ती है वो असबाब और वसाइल और तादाद के बल पर नहीं, वो अपनी अंदरूनी कल्बी कैफियत के हिसाब से लड़ती है। इम्कानात के बारे में जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँ, इम्कानात का बिल्कुल हकीकी मंजरनामा मुल्क में ये है कि मुल्क की जो गालिब अक्सरियत है, बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, उसको एक छोटी सी अकलियत ने एक अच्छे खासे तवील ज़माने से अपनी साजिशों का आलेकार और अपनी ही आइडेंटिटी का एक हिस्सा उसको बना रखा था। मुझे उम्मीद है कि आप इन इशारों वाले अल्फाज को समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। आपको, आपसे ये सवाल करना भी बेहद भी गुस्ताखी है। कहीं तो कुछ लोग ऐसे मिले जहाँ इशारों में बात करने में बात करना काफ़ी हो जाए। इस मुल्क की गालिब अक्सरियत कभी हिंदू नहीं थी,
इस मुल्क की गालिब अक्सरियत आज भी हिंदू नहीं है। लेट मी से इन एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स, बिल्कुल साफ लफ्जों में, इस मुल्क की गालिब अक्सरियत कभी हिंदू नहीं थी। हिंदू का लफ्ज किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ में नहीं आया। खुदा का शुक्र है मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने दखल दर माकूलात की हैं। मैंने चारों वेदाज एक एक लफ्ज पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं। मैं पूरे चैलेंजिंग अंदाज से आपके सामने नहीं, बहुत शंकराचार्य लोगों की मौजूदगी में, दो शंकराचार्य की मौजूदगी में और आठ वैदिक स्कॉलर्स की मौजूदगी में एक बहुत बड़े सेमिनार में जो कंपेरेटिव स्टडीज़ पर हो रहा था इंटरफेथ डायलॉग के तौर पर, उसमें मैंने ये बात कही थी कि किसी एक भी धर्म ग्रंथ में हिंदू लफ्ज़ नहीं आया। ये कोई मजहब था ही नहीं और आज भी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। गौर कीजिएगा, ये खालिस सियासी एक शनाख्त है। और इसकी ज़रूरत कब पड़ी? जब 1917 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम था एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, जिसका मतलब ये था कि हुकूमत बरतानिया दुनिया में जहाँ जहाँ पर है वहाँ इलेक्शन होंगे आने वाले दिनों में, और इलेक्शन में हर 18 साल की उम्र का बालिग शख्स वो वोट डालेगा। वोट देने का इख्तियार पहली मरतबा ब्रिटिश कानून के मुताबिक 1917 में हर बालिग शख्स को मिला। उससे पहले ब्रिटिश कानून के मुताबिक एक एलीट्स ऑफ द सोसाइटी होते थे, चंद मुआशरे के अखसुल खवास, चोटी का दानिश्वर तबका जो आमतौर पर रूलिंग क्लास से चुना जाता था, उन्हीं को वोट देने का हक होता था। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद से अंग्रेज़ों को एक बड़ी उनकी खसूसियत है, उनको एक सलाहियत है कि वो बहुत पहले से मुस्तकबिल के हालात का अंदाज़ा कर लेते हैं, अच्छे हालात का अंदाज़ा भी कर लेते हैं और बुरे हालात का अंदाज़ा भी कर लेते हैं। तो वो महसूस कर लिया उन्होंने कि अब हमको पूरी दुनिया से अपनी हुकूमतों को धीरे धीरे समेटना पड़ेगा। तो उन्होंने कानून ये वाला बनाया। जब ये कानून बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो यहाँ भारत का जो ब्राह्मण दिमाग था और उसके चोटी के लीडर्स थे वो चौकन्ना हो गए, अलर्ट हो गए कि ये तो बहुत ही खतरनाक कानून बना है, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि आज नहीं तो कल भारत में भी इलेक्शन होंगे, और जब भारत में इलेक्शन होंगे और हर बालिग शख्स वोट डालेगा तो यहाँ तो करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो सख्त नफरत करते हैं ब्राह्मणवाद से। और ये याद रहे कि ये वही दौर है जिस दौर में यहाँ के दबे कुचले मजलूम तबकात को बहुत बहादुर, बहुत जुरतमंद और अपनी कौम की बहुत वफादार लीडरशिप मिल गई थी। सबसे पहले और बड़े लीडर जिन्होंने उस दबे कुचले तबके के अंदर अपनी अलग आइडेंटिटी की का एहसास उजागर किया और बेदार किया वो स्वामी पेरियार थे, स्वामी नायकर जिनको पेरियार कहा जाता है, तमिलनाडु के थे वो। और वहीं उन्होंने वो तहरीक शुरू की और लाखों लाख लोग उनके फॉलोअर्स बने। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने तो अपनी एक किताब में यहाँ तक लिख दिया था
और शायद उनकी यही तहरीरें बहुत ज़्यादा किसी को चौंका देने का सबब बनी। उन्होंने किताब में ये साफ साफ लिख दिया था कि हम भारत के इन करोड़ों कबायलियों, आदिवासियों और यहाँ की जो इंडिजिनस आबादी है, हकीकी आबादी है, यहाँ के जो आदिवासी हैं और यहाँ हम दबे कुचले लोग, हमारी तमाम मुश्किलात का वाहिद हल सिर्फ इस्लाम है। ये पेरियार ने साफ साफ लिखा हुआ है। और ये वही दौर है जिस वक्त के उस मजलूम तबके के अंदर अपनी अलग पहचान ये उठ रही है और वो इसके लिए बेचैन है कि हम ये दिखा देंगे दुनिया को और दुनिया से ये मनवाएंगे कि हम अपना अलग धर्म रखते हैं, हमारा अपना अलग अकीदे हैं, हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी है। पेरियार के बाद दूसरा बड़ा लीडर, ये लीडरशिप महाराष्ट्र मुंतकिल हो गई, इसलिए कि इस तबके का सबसे बड़ा लीडर महाराष्ट्र का ज्योतिबा फुले नाम का शख्स था। उसने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं तफसीलात में इस वक्त नहीं जा सकता, वरना सच्ची बात यह है कि ज़रूरत है कि पढ़े लिखे मुसलमान इन लोगों की ज़िंदगी के तजुर्बात का एक नज़र मुताला कर लें। जब ये लोग मुताला करते थे और गौर करते थे तो फिर उनको इस्लाम में उम्मीद की किरण नज़र आती थी। चुनांचे ज्योतिबा फुले ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसा नाफिया कलाम कहा है कि उसको पढ़कर अंदाज़ा होता है कि शायद ज़ुबान से कुछ ऐलान करने की वो हिम्मत नहीं कर सके, मगर दिल और दिमाग तो कहीं तक शायद उनका पहुंचने लगा था। ज्योतिबा फुले के बाद जो तीसरा लीडर उस कौम को मिला वो डॉक्टर अंबेडकर थे। और ये वही ज़माना है, मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि इधर ये मुल्क की जो अक्सरियत है, जो मुल्क की हकीकी आबादी है, उसके अंदर अपनी अलग आइडेंटिटी का एहसास पैदा हो रहा था और वो एसर्ट कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, दबाव डाल रहे थे, जिसका क्लाइमेक्स तब हुआ जब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर अपने इस मुतालबे को ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाने में कामयाब हो गए। उनको सख्त मेहनत करनी पड़ी, उनको कई कई घंटे की नॉन स्टॉप तकरीरें और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में करनी पड़ती थी। उनको सैकड़ों सबूत भारत के समाजियात के अंग्रेज़ माहिरीन कानून और लेजिस्लेटर्स के सामने, रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के सामने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बयान करने पड़ते थे। बिल आखिर ब्रिटिश थिंकर्स, ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट सब इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि हम मान गए कि आपकी अलग आइडेंटिटी है, आप हिंदू नहीं हैं। अंबेडकर ने ये बात इसरार करके मनवाई, ये बात किसी कीमत पर गांधी मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों गैर हिंदुओं को हिंदू बनाया गया था जिसका सिलसिला अब तक जारी रहा है, लेकिन अब उन तमाम लोगों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये एहसास जाग रहा है कि हमारी आइडेंटिटी अलग है और हम आपस में तमाम मजलूम मिलकर इस मुल्क की अक्सरियत हैं और ये बाहर से आने वाले आर्यंस ये बहुत छोटी सी तादाद में हैं, असल में अकलियत में वो हैं, अक्सरियत में हम हैं। ये एक एहसास जो पिछले 100 साल से बार बार जगाने की कोशिश होती रही और जब भी नेशनल एजेंडे पर इसको ऊपर लाने की कोशिश होती है, बहुत महानत और ज़हानत के साथ कोई हिंदू मुस्लिम नफरत का एजेंडा मुल्क में आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कौम की तवज्जो मीडिया की मदद से फिर एक मरतबा किसी मसनूई नॉन इशू की तरफ मिट जाती है और वो कोशिश पीछे चली जाती है। ये बहुत अरसे से खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली के खेल की तरह, या मैं क्या बताऊँ, ये बहुत अरसे से, इसकी बहुत मिसालें हैं। अगर मैं वो मिसालें बयान करूँगा तो बहुत वक्त लगेगा। जब भी उस कौम के अंदर, उस कौम के करोड़ों या लाखों मर्दों और औरतों के अंदर ये एहसास बेदार होने लगता है कि हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन ली गई है,
और हमको ज़बरदस्ती मनुवादी ताकतों ने कल्चरली एसिमिलेट कर लिया, रिलीजियसली एसिमिलेट कर लिया, हमको अपने अंदर निगल लिया, हमारे वजूद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब भी उनके अंदर ये एहसास आता है, फौरन बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स छेड़ दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा कर दिया जाता है, और पूरा मीडिया और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा एग्जीक्यूटिव निज़ाम, वो सब के सब उसी नॉन इशू को ऊपर लाने में और रियल एजेंडे को वो नीचे दबाने में लग जाता है, और फिर 10-20 साल के लिए वो असली इशू बसे पुश चला जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक हुआ कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। उनको ये खुशफहमी थी कि उनके बगैर भारत के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ डिबेट चली। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, फिर तीसरी में गए। तीसरी में जब उन्होंने ये देखा कि पूरी हाउस की ओपिनियन गोया बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है, और वो ये अपने जो उन्होंने कमीशन भेजे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की आबादी की असल सच्चाई को जानने के लिए, उन्होंने साइमन कमीशन के नाम से एक कमीशन भेजा था जिसका ख़ास काम ये था कि हम भारत को आज़ादी दें उससे पहले भारत की आबादी में किन किन कौमों का क्या तनासुब है, ताकि हम उसी हिसाब से अगली हुकूमत का एक निज़ाम कायम करने की कोशिश करें। तो उसके लिए उन्होंने कमीशन भेजा था ताकि वो भारत के अंदर मुख्तलिफ़ समाजों के लीडरों से मिलकर उनकी समाजों की तफसीलात मालूम करें। आपको शायद मालूम हो कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का बायकॉट किया था, गो बैक साइमन कमीशन, साइमन गो बैक की तहरीक चलाई थी। इसीलिए उन्होंने बायकॉट किया था कि वह मुल्क की हकीकी तस्वीर को अंग्रेज़ों की हुकूमत के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। वो डरते थे कि अगर इनकी डायरेक्ट मुलाकातें हो गई और इन्होंने डाउन द लाइन नीचे जाकर गांव की सतह पर, कबाइल की सतह पर लोगों से मिलना शुरू किया, तो वो लोग अपनी सच्चाई बताएंगे, और उस सूरत में आज़ादी के बाद पूरी पावर का जो कैप्चर करने का हमारा प्लान है वो तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपकी दिलचस्पी शायद इस बात से बहुत होगी कि उसमें जो मुस्लिम लीडर्स गए थे, जो मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे, मोहम्मद अली, शौकत अली भी थे, मौलाना मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे, और सर जफरुल्ला खां भी थे, सर आगा खां भी थे, नवाब छितारी भी थे। तो इस डेलीगेशन को गांधी जी ने अपनी क़यामगाह पर लंदन में बुलाया और एक प्लेन कागज़ पर उन्होंने साइन करके इन मुस्लिम लीडर्स को दिया और ये कहा कि मुसलमानों के लिए आपके जितने मुतालबात हैं वो सब इसके ऊपर लिख दीजिए, मैंने पहले ही से साइन कर दिया है, मैं कमिट करता हूँ कि मैं वापस जाकर कांग्रेस से वो सारे मुतालबे आपके मंजूर करवा दूँगा। बस मेरी एक प्रार्थना है, एक मेरी आपसे गुजारिश है, और वो ये कि कल को जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फैसलाकुन स्टेज आएगा इस बात का कि क्या अनटचेबल्स को, ये इस्तिलाह थी उस वक्त जिनको आप दलित कहते हैं आज, उस वक्त उनको दस्तूरी एतबार से अनटचेबल्स कहते थे, या ऑपरेस क्लास कहते थे, या अनटचेबल्स अछूत ये उनको कहते थे। तो गांधी जी ने मुसलमानों के लीडरों से ये कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ कि कल को जब ये मसला उठेगा और इस पर वोटिंग होगी कि अनटचेबल्स इनको हिंदू करार दिया जाए या अलग एक कौम करार दिया जाए, तो मेहरबानी करके आप हमारा साथ दे दीजिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर का साथ मत दीजिएगा। उन सब मुस्लिम लीडर्स ने गांधी जी से कहा कि हम आपका एहतराम करते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं कि ये एक झूठ है, ये एक गलत बात, इट्स अ ब्लैटेंट लाई,
ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए हम आपकी ये बात मंजूर नहीं कर सकते, ये कागज़ अपने ही पास रखिए। और उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया कि अनटचेबल्स हिंदू नहीं हैं, अनटचेबल्स एक अलग आइडेंटिटी हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट का एक नया उनको इख्तियार मिला उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और दो वोट देने का उनको हक मिला। अजीब गरीब बात है, दो वोट देने का, एक तो वो अपने नुमाइंदे आने वाले इलेक्शनों में खुद खड़े करेंगे और उनको वोट देकर वो असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का इस पर इसरार था कि ये जो आगे जाकर जो नक्शा आप आज़ाद भारत का बना रहे हैं गांधी जी के मशवरे से, उसमें होगा ये कि पार्टियां अपने नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी, वो खुद चुनेंगी कैंडिडेट, वो चाहे माइनॉरिटीज़ के हों चाहे हम अनटचेबल्स के हों, उन्हीं कैंडिडेट्स को हम वोट देंगे, तो हमारे वोट से वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि उनका सिलेक्शन और नॉमिनेशन किसी पार्टी ने किया होगा तो वो पार्लियामेंट में पार्टी की बात करेंगे, हमारी बात नहीं करेंगे, वो हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे, वो हमारे बीच में पार्टी के नुमाइंदे होंगे लेकिन पार्लियामेंट और असेंबलियों में वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करेंगे। इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हम आपसे दो वोट का मांगते हैं, एक तो हम अपने उम्मीदवार खुद खड़े करेंगे, किसी पार्टी को उसके सिलेक्शन का कोई हक नहीं होगा, और हमारे अनटचेबल उम्मीदवार को ओनली अनटचेबल उम्मीदवार ओनली अनटचेबल वोटर वोट कर पाएगा। आप बात समझे, मुझे लग रहा है ऊपर से निकल गई, समझे कि नहीं समझे, मैं फिर दोबारा दोहरा हूं, क्योंकि अगर आपने मिक्स्ड वोटिंग कर दी और उसमें सब ने वोट डाल दिए तो अनटचेबल्स तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हैं और दूसरे लोग ज़्यादा हैं, तो उनके इंतखाब के मुताबिक वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात मनवाने में कामयाब हो गए कि देखिए हमारा नुमाइंदा आज़ाद भारत में पार्लियामेंट और असेंबलियों में सिर्फ वो होगा जिसको हम खुद चुनकर भेजेंगे, उसके कैंडिडेट बनाने में नॉन अनटचेबल्स का कोई इख्तियार नहीं होगा, उसको वोट देने में नॉन अनटचेबल्स का कोई इख्तियार नहीं होगा, और एक दूसरा जनरल कैटेगरी से वो कोई पार्टी चुन ले उसको भी हम वोट देंगे, वोट देने का इख्तियार हमको डबल वोट। और दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर की इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया, बस ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था गांधी जी के लिए। वो जिस नाराज मूड में भारत वापस आए उसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, किस फ्रस्ट्रेटेड अंदाज से वो भारत वापस आए, और यहाँ आते ही उन्होंने एक एजिटेशन छेड़ा ताकि वो जेल भेज दिए जाएं। जेल जाने का भी एक फन होता है, अगर आपका दिल चाहे तो आपको मैं सिखा सकता हूँ, तो और इसके मास्टर इंटरनेशनल मास्टर गांधी जी थे, उनका जब दिल चाहता था न्यूज़ में आने का तो वो जेल चले जाते थे, और जेल उनकी क्या होती थी मेरे ख्याल में, अगर मैं दुआ करूं कि ऐसी जेल आपको और हमको सबको मिल जाए तो जानने वाले लोग आमीन ज़रूर कहेंगे, बाकी लोग तो ज़रा डर कर खामोश रहेंगे, लेकिन जो लोग समझ जाएंगे उस जेल के ठाट बाट को तो वो ज़रूर आमीन कहेंगे कि यार मैंने हमारे मैके में भी ऐसी जेल नहीं है, ऐसा आराम नहीं है, ससुराल में भी नहीं है, ददियाल में भी नहीं है, ननिहाल में भी नहीं है, तो नाम भले उसका जेल हो आराम तो मिलेगा। गांधी जी के जेल की तफसीलात पढ़कर मुंह में पानी आता है कि क्या ठाट थे गांधी जी के जेल में, और इसीलिए वो बार बार जेल जाते थे। क्या ज़हीन इंसान था। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक गांधी जी ज़िंदा रहे होंगे इबलीस को बहुत आराम मिला होगा, बहुत आराम मिला होगा कि भाई थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोहन करमचंद दास गांधी,
यू हैव गिवन मी अ सफिशिएंट टाइम फॉर रेस्ट, आई हैव बीन टायरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। समझने की जरूरत है। अब अंधे बहरे होकर हर वो बात जो कही जा रही है कि बड़े सेकुलर थे, बड़े बड़े बहुत डाउन टू अर्थ एक साधु थे, बहुत मिस्कीन थे। सरोजनी नायडू जैसी मुसन्निफा ने जो गांधी जी के साथ जिंदगी गुजारी, उसने लिखा है गांधी के बारे में कि महात्मा और बापू की गरीबी को निभाने के लिए हमको 1,00,000 रुपया माहाना खर्च करना पड़ता। ये गरीबी थी जिसको निभाने के लिए उस जमाने के 1,00,000 रुपये खर्च करने पड़ते। बात फैल जाती है जब इस किस्म के मौजूद छिड़ता हूँ मैं। जो बात मैं कहना चाहता था मैं उस पर वापस आता हूँ। वापस आए गांधी जी लंदन से, जेल गए और जेल में जाकर मरण व्रत शुरू किए। किस बात के खिलाफ? वो ये कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मंजूर कर लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और अछूतों को, अनटचेबल्स को अलग एक आइडेंटिटी उनकी मान ली है, जब तक ये दो फैसले वापस नहीं होंगे मैं अपनी जान दे दूंगा। एक लंबा किस्सा है, बहुत दिन तक अंबेडकर जमे रहे, गांधी जी की हालत खराब होती चली गई, जितनी खराब थी वाकई जितनी खबरें आ रही थी हेल्थ बुलेटिन के जरिए उतनी ही ख़राब थी, इसमें कम से कम मुझे तो शक है, लेकिन मैं सबूत तो नहीं दे सकता। इसलिए कि जब एक आदमी बहुत बार झूठ बोलता है तो उसका एतबार करना लोग छोड़ देते हैं। खबरें ऐसे आने लगीं कि पल्स डाउन हो गई, ब्लड प्रेशर गिर गया और ये हो गया और अब मरे और तब मरे, और उसके नतीजे में पूरे मुल्क में दलितों के गाँव में आग लगानी शुरू की गई, जलाया जिंदा जलाए जाने लगे लोग, मार काट मच गई। उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, दो तीन टॉप क्लास ब्राह्मण लीडर्स, ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के पास आए बॉम्बे में और उनसे कहा कि आप चलकर गांधी जी से मिल लीजिए, वरना हमको डर है कि मुल्क में सिविल वॉर हो जाए। ये एक धमकी थी, आप समझते हैं, समझ रहे होंगे, ये एक थ्रेट था कि अगर कहीं गांधी जी मर गए तो फिर मुल्क में दलितों का वो कत्लेआम होगा जो अशोका के ज़माने में हुआ था। मेरी गुजारिश है हमारे पढ़े लिखे लोगों से कि कुछ अल्लाह के वास्ते संजीदा चीज़ें भी पढ़ लिया कीजिए। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा जितना बेतकल्लुफ़ी से मैंने आज उलमा से कहा था, वो तो अपनी बिरादरी है, आप तो बड़े नाजुक मिजाज लोग हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फजूल चीज़ों को पढ़ना अब बंद कर दीजिए, उनकी ज़कात भी आप पर वाजिब हो गई। अब आप कुछ काम के लिटरेचर पढ़िए। हर महीने अपने शहर के किसी अच्छे स्टॉल में जाकर फ्रीडम स्ट्रगल की तारीख की कुछ किताबें पढ़िए, बहुत किताबें हैं। अरुंधति रॉय की किताबें पढ़िए, अग्रवाल की किताबें पढ़िए, चोटी के मुसन्निफीन हैं जिन्होंने एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 12 वॉल्यूम्स में वो पूरी मीटिंग्स की मिनट्स छाप दी हैं। जो मीटिंग गांधी, नेहरू, जिना, मौलाना आजाद, पटेल, इन सब के साथ जो चलती थी माउंटबेटन की या उनसे पहले के वॉयसराय की, जितनी मीटिंग्स हुई हैं हर मिनट की रुदात दिन तारीख के हवाले के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छापती है। यहाँ तक कि जो खत किताबत होती थी इनके दरमियान, जो करस्पॉन्डेंस होती थी, जो कम्युनिकेशन होता था, जो भी कुछ ये लोग एक दूसरे को लिख के भेजते थे, वो सारे खतूत की छोटे से छोटे नोट्स की उसकी ऑफिशियल अटेस्टेड कॉपी, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छाप दी है। इतना शानदार सबूत है वो इस बात का, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसका एक एक पेज ये साबित करता है कि मुल्क की तकसीम की 1% जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग पर, मुसलमानों पर और जिना पर नहीं थी। वो डॉक्यूमेंट साबित करता है, वो डॉक्यूमेंट साबित करता है कि नेहरू, गांधी और पटेल, इन तीन लोगों पर इस मुल्क के बंटवारे की जिम्मेदारी थी। और आपने तो ये सुना होगा,
कि घर का भेदी लंका ढाए वो जो कहते हैं, तो बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क़यादत में, तो उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर जसवंत सिंह, उन्होंने एक बहुत तफसीली किताब मुल्क के बंटवारे की तारीख पर लिखी है। उसमें उन्होंने 50 हवालों से साबित किया है कि मुल्क के बंटवारे की असल जिम्मेदारी नेहरू और पटेल पर है। वो महात्मा गांधी को ज़रा बचा लिए गए हैं, कुछ मसलहत है उसमें उनकी, हम उनकी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन चलो कम से कम एक ही सीढ़ी ऊपर चढ़ने से रह गए, नीचे से ऊपर तक तो आ गए वो। और बाकी मवाद बहुत मौजूद हैं पूरी हकायक को साबित करने के लिए। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने तब्दीली मजहब का ऐलान किया, उसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, इंडिया एक्ट 1935। उस वक्त से 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया पर रूल कर रही थी, वो कर रही थी इंडिया एक्ट 1919 के मातहत। फिर उन्होंने एक नया एक्ट बनाया 1935, इंडिया एक्ट 1935। इंडिया एक्ट 1935 के फौरन बाद गांधी जी ने आज़ादी की वो तहरीक जो पिछले 10 साल पहले, बल्कि 16 साल पहले उन्होंने अचानक बंद कर दी थी, इसलिए कि वो आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों की क़यादत में चल रही थी और गांधी जी पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन 16 साल तक अचानक आज़ादी की तहरीक को मौकूफ़ कर दिया गांधी जी ने किसी के मशवरे के बग़ैर। और 1935 में जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो एक्ट पास किया, उसके फौरन बाद गांधी जी ने एक नए सिरे से मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू करवा दी, और उस मौके पर हिंदू मुस्लिम फसादात बंगाल से के ज़रिए से शुरू करवाए गए, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अंबेडकर ने वो जो तब्दीली मज़हब का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में एक अंदेशा पैदा हो गया था, जो अंदेशा बहुत अरसे से चला आ रहा है और आज नहीं तो कल वो पूरा होकर रहेगा, उस अंदेशे के मुताबिक मुल्क में आज़ादी की तहरीक एक नए मकसद की खातिर, एक नए प्रोग्राम की खातिर शुरू की गई, और हिंदू मुस्लिम फसादात भयानक तरीके पर शुरू करवाए गए इस प्रोग्राम के तहत कि मुल्क को आज़ादी तब मिले जब मुल्क पहले बट जाए। इसलिए इतना दिलचस्प वाकया है कि 14 अगस्त को पहले मुल्क की तकसीम हुई और 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ। आप इतनी छोटी सी बात पर गौर नहीं करते, मंतकी तरतीब क्या थी? क्यों भाई, पहले मुल्क आज़ाद होता और आज़ाद मुल्क फिर अलग अलग उसके दो हिस्से हो जाते, मगर मकसूद आज़ादी थी ही नहीं, मकसूद तकसीम थी, मकसूद बंटवारा था, मकसूद मुस्तकिल तौर पर कम्युनल टेंशन इस मुल्क में पैदा करके उन करोड़ों मजलूमों को हिंदू बनाए रखना था। असल मसला ये था। मुसलमानों पर जो मजालिम इस मुल्क में हो रहे हैं, खुदा के लिए आप मुसलमान दानिश्वर हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उसका असल निशाना मुसलमान नहीं है। चोट बेशक मुसलमान खाता है, जान बेशक मुसलमान की जाती है, जायदादें मुसलमानों की जलाई जाती हैं, लेकिन उसका असल निशाना यह है कि मुसलमानों को मारने के लिए वो इस्तेमाल किसको करते हैं बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनको जब वो इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ, तो पहले उनको हमारे उनके दिलों को हमारी नफरत से भरेंगे, और वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो हिंदू बने रहें, तो असल निशाना वो हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आज भी मैं बात को समेटते हुए कहता हूँ, और इतना यकीन है मुझको, मैं अपने मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रातों की अक्सर हिस्सा मुताले में गुजरता है। मैं बिला मुबालगा कहता हूँ, मैं पिछले एक साल से संगीन बीमारियों में रहा हूँ, 7 महीने तो मैं बहुत ही सीरियस हालत में रहा, बिस्तर से उठ नहीं सकता था, उस हालत में भी अल्लाह का बहुत शुक्र है मैंने कम अज़ कम 18,000 से 20,000 सफ़े पढ़े। मुझे बहुत शिकायत है अपनी कौम से, और मेरा बस चले तो मैं क्या गिरेबान पकड़ूं
कि तुमको पढ़ने के शौक से किसने महरूम किया है। ना उलमा पढ़ते हैं, ना दानिश्वर पढ़ते हैं, ना लॉयर्स पढ़ते हैं, ना इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं, ना डॉक्टर्स पढ़ते हैं, ना इंजीनियर्स पढ़ते हैं, ना मर्द पढ़ते हैं, ना औरतें पढ़ती। हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, हर वक्त इंटरनेट से खेलते रहते हैं। जो कौम पढ़ेगी नहीं, जिस कौम के पास नॉलेज का ज़खीरा नहीं होगा, जिस कौम के पास एक क्रिटिकल स्टडी, क्रिटिकल एनालिसिस, एक तनकीदी तज्ज़िये का ज़ौक नहीं होगा, वो कौम क्या ख़बरों में से गलत और सही का इंतखाब कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। आप हज़ार बद्दुआ देते रहे आरएसएस वालों को। मैं आरएसएस की वालों के कैंपों में गया हूँ और मैं उनमें से बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत मुताला करते हैं। इसी तरह आरएसएस की लॉबी के ख़िलाफ़ इस मुल्क में जो एम्बिट्राइट मूवमेंट चल रही हैं, जो मजलूमों की तहरीकें चल रही हैं, उन्होंने भी अपने कैडर और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के अंदर भी लिटरेचर के पढ़ने का एक शौक पैदा कर दिया। नहीं पढ़ते अगर कौन, तो मुसलमान नहीं पढ़ते। आज कम से कम आप एक मुसाफिर से इतना वादा कर सकते कि संजीदा मुताला शुरू करें। क्या पढ़ेंगे आप? राष्ट्रीय सहारा, बीबीसी लंदन, क्या सुनेंगे? मैं उलमा से कहता हूँ, इस मीडिया की सनद है हद्दसनी कज़्ज़ाबुन, काला हद्दसनी दज्जालुन, काला समितु कज़्ज़ाबन। आप हजरात तो नहीं समझे होंगे, न समझे तो ठीक। इन पर, इन खबरों पर यकीन करने वाला दुनिया का कोई है समझदार? आज खबरें हकीकी मीडिया में नहीं आ रही, हरगिज नहीं आ रही। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात को समेटते हुए, यह है रोशन इम्कानात का उन्वान जो मैंने आपके सामने रखा। मैं, अल्लाह का बहुत फजल है कि मैं मदरसों, खानकाह और मस्जिद के बोरिए से चिमटा हुआ इंसान हूँ, और मैंने एक दिन भी किसी स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल नहीं की। मैं 100% सिर्फ मदरसे का एक अदना सा, मामूली सा तालिब इल्म हूँ, और उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और नागालैंड और मिज़ोरम और त्रिपुरा से लेकर जुनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान तक, उन सब के अंदर जो मज़लूम लोगों की तहरीकें और कबायली लोगों की जो यूनिट्स हैं, उनकी क़यादत से मेरा मुसलसल राबता है। और मैं आपको यकीन के साथ ये कहने आया हूँ, यही कहने आया हूँ कि उन सब के अंदर एक उबाल है और वो फैसलकुन स्टेज तक पहुँच रहे हैं, और वो रोज़ाना उनके दरमियान कम से कम 10,000 ऐसे नए लोगों का इजाफा हो रहा है। और ये मैं बहुत मोहतात फिगर बोल रहा हूँ, जो हलफनामे के साथ कोर्ट में जाने को तैयार हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू कहोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करें। ये कैफियत है उस मजलूम तबके की, वो अपनी असल आइडेंटिटी को रीगेन करना चाह रहे हैं, उसको सरकार से और अदालत से रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं। इसीलिए मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया और राय तलब की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब अपना एफिडेविट ड्राफ्ट किया, जब अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी की, तो उसी वक्त आदिवासी लीडरशिप से भी राबता हुआ। आदिवासियों से पूछा गया कि क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद करते हैं? उन्होंने कहा कि हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि जब आपका ये एक मजबूत स्टैंड है, तो आपको भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए और एक पार्टी बनना चाहिए और अपना एक लीगल स्टैंड लीगली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि आदिवासियों की तरफ से आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हो चुका और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक इंटरवीनर पार्टी की हैसियत से तस्लीम कर लिया और उनको भी एक पार्टी बनाकर उनकी बात सुनने के लिए नोटिस इशू कर दिया। ये जो मैं कह रहा हूँ इम्कानात, मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी लिंगायत फ़िरके की है, 7.5 करोड़ हैं लिंगायत। लिंगायत सबसे ज़्यादा कर्नाटका में हैं,
उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। 7.5 करोड़ से ऊपर उनकी आबादी है। मुल्क की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में लिंगायत को तस्लीम किया जाता था एक अलग मज़हब, अलग कौम। लेकिन अजीब गरीब बात है, नाम निहाद आज़ादी के फौरन बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक कैबिनेट फैसले के ज़रिए बाकायदा लिंगायत को हिंदू डिक्लेयर कर दिया। 60 मरतबा लिंगायत फ़िरके के स्वामी और जगत गुरु और उनके मज़हब के बड़े बड़े स्कॉलर्स वो 7 मरतबा गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, बार बार साबित किया है, अपना मज़हबी लिटरेचर दिखाया है कि भाई हम हरगिज़ हिंदू नहीं हैं, हमें अलग एक आइडेंटिटी माना जाए, हमको अलग एक मज़हब के तौर पर तस्लीम किया जाए, अलग कौम के तौर पर तस्लीम किया जाए। आज तक हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी। अब ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि लिंगायत के लोग अपनी असली आइडेंटिटी को तस्लीम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और लिंगायत के लोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ एक पार्टी बनने को तैयार हो गए। मैं ये कह रहा हूँ इम्कानात, इसकी तरफ तवज्जो फरमाइए, इसको तो ये कभी अखबारों में नहीं आएगी बात। टोटल ब्लैकआउट होता है, टोटल ब्लैकआउट, बड़े से बड़े जलसे होते हैं। सांगली में अभी कुछ दिनों पहले इन मजलूमों के संगठनों का एक मुश्तरका इजलास हुआ, मैं भी उसमें शरीक था। उन लोगों के कहने के मुताबिक 8 से 9 लाख का मजमा था, लेकिन मैं बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहता हूँ 5-6 लाख से कम तो यकीनन नहीं था। कई किलोमीटर तक मजमा फैला हुआ था, लेकिन किसी भी नेशनल अखबार या मीडिया ने इतनी सी भी खबर नहीं दी। और 40 औरतें कहीं पर खड़ी हो जाती हैं शरीयत के खिलाफ, मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ, और वो औरतें किराए की होती हैं, पेड होती हैं, या खुद मुसलमान भी नहीं होती, उनको बेचारियों को बुरका उड़ा दिया जाता है। और लेकिन उसकी खबर दिन भर 24 घंटे टीवी चैनल चलाते हैं और फ्रंट लाइन पर नेशनल मीडिया उनको देता है। तो इसकी शिकायत करने का मेरा लबो लहजा नहीं है, मैं शिकायत करने पर यकीन नहीं करता। और अब तो खुशी की बात यह है कि सोशल मीडिया ने हमको उस मीडिया से बड़ी हद तक बेनियाज कर दिया है। अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो तो ये तो बे आवाज़ों की आवाज़ है, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल, ये वो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हम मुल्क की अपनी असल सच्चाई को जानें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुल्क की अक्सरियत इस वक्त की सूरत हाल से उतनी ही परेशान है जितनी कि आप। अगर आप में बहुत से लोग बेहिस हैं तो उनमें भी बहुत से लोग बेहिस होंगे, और अगर आप में कुछ लोग बहुत हसास और फिक्रमंद और दर्दमंद हैं तो उनमें भी लीडरशिप और इंटेलेक्चुअल्स फिक्रमंद और दर्दमंद हैं। अब जरूरत क्या है? देखें, इस मुल्क की खैरखाही हमारा मजहबी फरीजा है। हम किसी कीमत पर इस मुल्क के दामन पर धब्बा लगा हुआ नहीं देखना चाहते। हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, हमें इस मुल्क से गहरा कल्बी ताल्लुक है, हर पहलू से हम इसकी तरक्की चाहते हैं, हम इसकी तरक्की माशी भी चाहते हैं, हम इसकी तरक्की सियासी भी चाहते हैं, हम इसकी तरक्की अस्करी भी चाहते हैं, और हम इसकी तरक्की अखलाकी भी चाहते हैं। ये कैसी अजीब सी तरक्की हो रही है कि अखलाकी एतबार से मुल्क बैंक्रप्ट होता जा रहा है, दिवालिया होता जा रहा है। एक एक साल की और 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, बोलते हुए भी शर्म आती। आपकी बेटी, मेरी बेटी अगर बाहर जाए पढ़ने के लिए तो आपकी और आप बच्ची की माँ का कलेजा कांपता रहता है जब तक बच्ची सही सारी वापस ना आ जाए। ये फैक्ट है कि नहीं? ये कौन सी तरक्की है भाई? ये तो ऐसे ही है ये जैसे किसी का बीमारी कोई लग जाए और उसकी एक टांग बहुत फूल जाए और वो खुशी से सबसे कहे कि देखो मैं कितना तंदुरुस्त हो गया। ये विकास की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं कितना तंदुरुस्त हो गया, देखो मेरी रान माशाल्लाह 48 किलो की हो गई।
तो यही कहा जाएगा कि बीमारी आपके सिर्फ रान में नहीं है, यहाँ भी है और ये सीरियस है। और मैंने सुना है कि औरंगाबाद में बहुत बड़ा दिमागी अस्पताल, लिहाजा जल्द अज जल्द आपको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, वरना दो मिनट के बाद आप क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी वजूद में एक पहलू से तरक्की हो और बाकी पहलुओं से पूरा सवाल हो, उसे तरक्की माना जाए। हमारी तमन्ना है कि मुल्क हर पहलू से तरक्की करे। हम हरगिज़ हरगिज़ सिर्फ इख्तदार पर कब्जा करने की तमन्ना रखने वाले लोग नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क इंसाफ की बुनियादों पर चलाया जाए और उस जानिब मुल्क को लेकर चलना ये हमारा फ़र्ज है। और मुझे इसके कहने में कोई तामुल नहीं है कि जहाँ आखिरत में हमसे नमाज और रोज़े के बारे में पूछा जाएगा, हलफ ब खुदा मैं कुरान की 50 आयात के हवाले से कह सकता हूँ, हमसे अपने मुआशरे और समाज की खिदमत के बारे में भी पूछा जाएगा। आप ये बड़ा गलत तस्वुर फ़राइज है कि दो चार फरीजे हमने सुन रखे हैं कि ये इस्लाम में फ़र्ज हैं। किसान खुदकशी करते चले जा रहे हैं, लाख डेढ़ लाख किसान खुदकशी कर चुके। अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेगा कि मेरे महबूब रहमतुल आलमीन की उम्मत 25-30 करोड़ की तादाद में मौजूद थी, उस मुल्क में तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पड़ोस में किसान खुदकशी कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, दिन रात जराइम हो रहे हैं, कमजोरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए। नहीं, मैं एक राह की तरफ इशारा करने के लिए हाजिर हुआ। हम सबको, एक तो हमारी बड़ी मुश्किल ये है कि हम मुसलमान इस भारत की जो ये सामाजिक व्यवस्था है, जो सोशल एक स्ट्रक्चर है, उससे वाकिफ नहीं है। हर वो आदमी जिसका नाम उर्दू और अरबी और में नहीं है, हर वो आदमी जिसका नाम हिंदी में है या किसी रीजनल लैंग्वेज में है, हम उसको हिंदू समझते हैं। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? वाकई हमारी बड़ी मुसीबत है कि हम वाकिफ नहीं हैं इस बात से। एक सा लिबास पहने हुए उनकी औरतें भी उनके मर्द भी, तो हम कैसे फ़र्क करें? ये भी एक मसला है। इस पर भी हमको क्लासेस लेने पड़ेंगे कि भाई हमको पढ़ाइए, बाकायदा बताइए कि इनमें कास्ट सिस्टम क्या है। ये हमें जानना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपने क्लास फेलोज में, अपने कोलीग्स में, अपने पड़ोसियों में, अपने साथ के लोगों में, बिलखसूस मज़लूम तबके के लोगों से हमारा कम्युनिकेशन और हमारा कोऑर्डिनेशन तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए। हमें किसी नस्ल के लोगों से नफरत नहीं है, हमें उस सिस्टम से नफरत है जिसमें एक मखसूस नस्ल के अफराद को सबसे बढ़तर साबित कर दिया जाता है, चाहे वो जितने बड़े मुजरिम किरदार का इंसान हो, और एक नीचे ख़ानदान में पैदा होने वाले इंसान को जलील तरीन समझा जाता है, चाहे वो जितना शरीफ हो। ये फितरत के भी खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है, इंसाफ के भी खिलाफ। तो हमें वाकफियत हासिल करनी होगी और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि आप ये दुआ करें कि जो अलग अलग कोशिशें हो रही हैं और बहुत अच्छे पैमाने पर हो रही हैं, उनके नतीजे मुकामी सतह पर बहुत अच्छे निकल रहे हैं, गाँव की सतह पर, नीचे की सतह पर बहुत अच्छे नतीजे निकल रहे हैं, वो ज़्यादा मुनज़्ज़म तौर पर वो सामने आए ताकि आपको उन कोशिशों को ज्वाइन करना, उनका हिस्सा बनना ये आसान हो। यकीन रखिए कि ये जो इस वक्त खतरात हमको नज़र आ रहे हैं, ये इन्हीं रोशन इम्कानात को कोई देख रहा है और वो उन रोशन इम्कानात से खायफ है, तो उन रोशन इम्कानात को रोकने के लिए वो मुल्क में एक नफ़रत और खौफ की फिजा पैदा करना चाह रहा है। तो ये एक तरह से उनकी डिफेंसिव लड़ाई है। नज़र तो आ रहा है कि वो ऑफेंस पर है, लेकिन हकीकतन वो ऑफेंस पर नहीं है, वो खुद डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमने हज़ारों साल से ये जो मुल्क की अक्सरियत को हमने अपने पैरों तले कुचल कर रखा, उनको अपनी आइडेंटिटी तक से महरूम रखा,
उनको ये भी इख्तियार नहीं है कि अपने मजहब को खुद चुने। हद दर्जे का जुल्म है ये। तो जिन लोगों के साथ हमने ये सलूक रखा, अब उनके अंदर एक बेदारी आ रही है, वो अंगड़ाई लेकर उठ रहे हैं, वो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहते हैं। उसके नतीजे में आइंदा आने वाले सालों में, मुस्तकबिल में, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, बहुत बड़ी तब्दीली के। लेकिन मैं एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ, सबसे पहली बात, हम सब अपनी ज़ाती ज़िंदगी को पाक साफ बनाएं। कहना शायद गैर ज़रूरी होगा, लेकिन अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बहुत पाक साफ बनाएं। दूसरी बात, गरीब आवाम के साथ अपने राबते को बढ़ाएं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी मिल्लत का एक बहुत बुरा फैशन है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, किसी पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, अक्सर व बेशतर पाँचों वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात नहीं पढ़ते। मैं ही नहीं कहता कि नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उनमें से अक्सर लोग पांच वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात नहीं पढ़ते। और कहीं ना कहीं मुझे आप ये कहने की इजाज़त दीजिए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपा हुआ होता है, उनके अंदर एक एहसास बरतरी और दूसरे गरीब अनपढ़ मुसलमानों को हकीर समझने की एक बीमारी छुपी होती है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़, इसे 100% तर्क करें। अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं बनेंगे और नीचे उतर कर अपने गरीब पड़ोसियों और मोहल्ले वालों से आपका एक दोस्ताना राबता नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे गरीब पड़ोसी की बेटी बहुत बीमार है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे गरीब पड़ोसी के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे, फीस नहीं दे पा रहे, कैसे पता चलेगा? इसलिए अल्लाह के वास्ते फिर अपनी कौम के गरीबों के साथ राबते के साथ साथ मैं तो पूरी इंसानी और मुल्की बिरादरी के गरीब और पसमानदा और मजलूम और महरूम तबके के साथ राबते को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ का इंसाफ होगा कि आप उनके बच्चों और उनके गरीब घरानों के साथ तो राबता करें मगर कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले गरीबों के साथ राबता ना हो? ये तो कोई बात ना हो। तीसरी बात, अपनी ज़िंदगी में अपने घरेलू अखराजात को थोड़ा कम करें। अगर आपको कोई कौमी लड़ाई लड़नी है, बहुत साफ बात है, तो आपको बजट बनाना होगा। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मेयार को, अपने खाने के मेयार को, अपने पहनने के मेयार को, इन सब चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ कर अपने घर वालों को एतमाद में लेते हुए कि देखो अब हमको ज़रा नए सिरे से बजट बनाना है। ये जो महीने में हम दो बार आइसक्रीम खा लिया करते थे और ये जो हम ड्रिंक्स पी लेते थे, ये अब कम होगी और हम इन पैसों को बचा कर हम किसी गरीब की मदद करेंगे। ये करना पड़ेगा अगर हमको कोई ज़िंदा कौम बनना है, कोई बाशऊर कौम बनना है। फिर चौथी बात मैं कहता हूँ, अपनी शादियों की तकरीबात को तो खुदारा सादा कर दे, इससे इस्लाम बुरी तरह बदनाम हो गया, बुरी तरह बदनाम। बहुत बुरा हाल है मुसलमानों का, बहुत बुरा हाल है शादियों के मामले में मुसलमानों का। चार पैसे आते हैं कर्ज लेकर, सूदी कर्जा लेकर, पता नहीं क्या क्या करके बहुत दिखावे के काम करते हैं शादियों। यही पैसा, यही एनर्जी, यही वक्त अगर एक तामीरी कामों में सर्फ होने लगे तो कौम तरक्की करे। फिर मैं आपसे कहता हूँ, आप हज़ार बद्दुआएं दीजिए आरएसएस वालों को, जो आरएसएस का नीचे का कैडर है। देखिए, जब आदमी ऊपर पहुँच जाता है और कोई मंत्री मंत्री बन जाता है, तब तो वो फिर ज़ाहिर है कि 10 लाख का सूट पहनने लगता है और दिन में 10-11 मरतबा कपड़े बदलता है। वो अलग बात है, वो तो उसकी जेब से पैसे नहीं जाते, वो तो आप लोगों को किसी को नहीं मालूम कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में
अगर एक माचिस की तीली भी आती है तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट करती है, वो कपड़े, वो साबुन, वो शैम्पू, वो सारी चीज़ें, उन सब का पेमेंट गवर्नमेंट करती है। तो वो तो जानते हैं कि अच्छे दिन किसके आए हैं, वो सबको पता है। और अच्छा है कि ये कैरेक्टर सामने आए, ताकि कोई तो मुल्क में दो आँखों वाला देखे कि भाई अच्छे दिन वादे किसके किए गए थे, आए किसके। लेकिन जो आरएसएस का कैडर है, जो पूरे मुल्क में जिसने 100 साल की मेहनत करके अपनी अफकार और ख्यालात को हर कच्चे पक्के घर में पहुंचाया है, वो बहुत मेहनती है और बहुत सादगी उसकी ज़िंदगी में। इतनी सादगी है कि आप एक दिन भी उनके यहाँ क़याम नहीं कर पाएंगे, इतनी सादगी है। और इसी तरह जो दूसरी तहरीकें इस मुल्क में चल रही हैं, उनका भी यही हाल है। सबसे ज़्यादा अय्याशी बहुत माफ़ करेंगे मुसलमानों में, बहुत बहुत ही दुख होता है उसको देख, बहुत दुख होता है। इतनी फजूल खर्ची, इतनी अय्याशी कि अगर इन्हीं रिसोर्सेज को अगर पूल करके अगर हम मुख्तलिफ कौमी प्रोजेक्ट्स में लगाएं तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाए। अच्छा, इसकी आप इंतज़ार करें कि पूरे औरंगाबाद शहर के मुसलमान पहले अपनी लाइफ स्टाइल बदल लें तो मैं भी कर लूँगा, तो इंशाल्लाह ये मलकुल मौत के आने तक नहीं होगा। हर शख्स अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दे, किसी का भी इंतज़ार किए बगैर, किसी का भी इंतज़ार किए बगैर। एक से दो, दो से चार, चार से छः, दिए से दिया जलता है, आहिस्ता आहिस्ता कौमी मिजाज बनेगा। कौमों की ज़िंदगी में कुछ वक्त वो आते हैं जिसमें कौमें कुछ मजबूत फैसले करती हैं। अगर वो उस वक्त एक इज्तिमाई कौमी फैसले सही कर लें और उसके ऊपर जम जाएं, तो फिर वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती। वही चैलेंजेस, वही खतरात इम्कानात तक पहुंचाने का सबब बन जाते हैं। एक इज्तिमाई और कौमी फैसले का वक्त है। कोई हमसे इस्लाम दीन और शरीयत को छीनना चाहता है और खुल्लम खुल्ला उसके इरादे साफ हैं कि वो हमको कभी योगा के ज़रिए, कभी सूर्य नमस्कार के ज़रिए, कभी स्कूलों के करिकुलम के ज़रिए, कभी किस चीज़ के ज़रिए, तौहीद जैसे बुनियादी अकीदे से महरूम करना चाहता है, कभी वो ट्रिपल तलाक के मसले को छेड़कर, और कभी वो चार शादियों के मसले को छेड़कर, और कभी विरासत के मसले को छेड़कर, वो हमें हमारी शरीयत से महरूम करना चाहता है। वो शरीयत जो इंतहाई खूबसूरत शरीयत है, वो शरीयत जिससे बेहतर मसाइल का हल किसी मजमूए में नहीं है। कुछ मुसलमान शरीयत के किसी हुक्म को अगर का मिसयूज़ करते हैं तो इसकी सज़ा शरीयत को कैसे दी जा सकती है। एंटी डावरी एक्ट है, मुझे बताया गया यहाँ बहुत से वकला बैठे हैं, क्या एंटी डावरी एक्ट का 98% मिसयूज़ नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये रिमार्क पास किया है कि एंटी डावरी एक्ट के मुल्क में लगने से आज तक जहेज के लेन देन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अलबत्त जहेज के बहाने बनाकर हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। तो कानून की खराबी है या कानून के इस्तेमाल करने वालों की खराबी? तो तलाक के कानून का इस्तेमाल करने वाले चंद लोग अगर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत जुरतमंदाना फैसला किया, फिक्ही बहसों के बाद फैसला किया, इल्मी दलाइल के जायजे के बाद फैसला किया कि जो मुस्लिम शौहर अपनी बीवी को वो एक वक्त में 3 तलाक देगा उसका समाजी बाइकॉट किया जाए, वहाँ उसके ख़ानदान वाले, उसके पड़ोस वाले उसका बाइकॉट करें ताकि उस पर एक प्रेशर पड़े, क्योंकि एक वक्त में 3 तलाक दे देना इस्लामी शरीयत में ये पनिशेबल क्राइम है, ये कॉग्निजेबल क्राइम है इस्लामी शरीयत में। तो इस बात का भी मैं आपसे बहुत मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ
कि शरीयत के सिलसिले में अपने इल्म को बढ़ाई है। लखनऊ में अभी इंटेलेक्चुअल हजरात का एक इजलास हुआ, तो वो लखनऊ मेरा शहर है, मैं ज़रा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी वहाँ इख्तियार कर सकता हूँ, यहाँ से तो मुझे बहरहाल बखैरियत कल वापस जाने की फ़िक्र है। तो वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मैंने कहा कि एक शिकायत करूँ, क्योंकि मुंतज़िमीन ने जिस हॉल का इंतज़ाम किया था वो आधा घंटा पहले फुल हो गया और बिल्कुल जगह ही नहीं रही वहाँ, उनको बाहर कुर्सियों पर कुर्सियाँ कुर्सियों पर कुर्सियाँ डालनी पड़ी, स्क्रीन पर स्क्रीन लगाने पड़े और इंटेलेक्चुअल्स हैं कि हज़ारों की तादाद में उबल पड़े। मैंने उनसे कहा कि इसी लखनऊ शहर में 50 साल तक दरस कुरान दिया हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी ने, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने, आप में से कितने हज़रात दरस कुरान में शरीक हुए, आप में से कितने हज़रात उलमा के पास जाकर शरीयत को समझने की कोशिश करते हैं, आज आप क्यों आए यहाँ इतनी बड़ी तादाद में। मैंने वहाँ उनसे पूछा, मैं बताऊँ क्यों आए, इसलिए आए कि शरीयत पर टीवी में डिबेट होने लगी और टीवी व मुकद्दस किताब बरहक है कि टीवी पर जिस चीज़ का तस्करा हो जाए उसको पीने खाने देखने सुनने का शौक आ जाता है। अब चूंकि टीवी पर शरीयत 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 शरीयत, ये भी अल्लाह का इंतज़ाम है, हमारा एक पैसा खर्च नहीं हुआ और शरीयत का प्रोपेगेंडा हो गया, अब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तुम शरीयत के खिलाफ खूब बोल रहे हो, इससे मुसलमानों के अंदर भी और गैर मुस्लिमों के अंदर भी शरीयत को जानने का एक शौक पैदा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, शायद आप भी इसीलिए आए हैं आज। इतना तो मैं कह ही दूँ अच्छे मूड से फ़ायदा उठाकर। वाकई ये अजीब खुदाबंदी इंतज़ाम है, औरतें मुतफक्किर हो गईं, बेचैन हो गईं हमारे कौम की, और बोर्ड ने फिर एक मरतबा दानिशमंदाना फैसला किया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ख़वातीन विंग बनाया गया और जगह 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 औरतों ही को एजुकेट करके उन्हीं को सामने लाया जा रहा है, और मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि तकरीबन 5 करोड़ दस्तखतें बोर्ड की तरफ से चलाई गई सिग्नेचर कंपेन के नतीजे में 4,84,00,000 दस्तखतों का रिकॉर्ड लॉ कमीशन के चेयरमैन को पेश किया गया। आज़ादी के बाद से किसी तंजीम ने इतनी बड़ी तादाद में किसी मसले पर अवामुन्नास की दस्तखतें हासिल नहीं की, और इसका साफ मतलब यह है कि मुस्लिम आवाम का कसूर नहीं है, मुस्लिम खवास का कसूर, आवाम तैयार रहते हैं। इसलिए इस वक्त एक गुजारिश आपसे ये कि आप अपनी ख्वातीन को और आप ख़ुद भी मुस्तनद ज़राए से शरीयत का इल्म हासिल करें, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अल्लाह के वास्ते इसके लिए वक्त फारिग करें, पूछें कि हम किस ज़रिए से हम इल्म हासिल करें। मैं ऑथेंटिक रिसोर्सेज इसलिए कह रहा हूँ कि सैकड़ों इस्लामिक नामों की साइट्स चल रही हैं नेट पर, जो यहूदियों की हैं, कादियानियों की हैं या किसी दूसरे गुमराह फ़िरके की हैं, और बेचारा हमारा यंग मुस्लिम लड़का या लड़की वो इस्लामी नाम देखकर उन वेबसाइट्स को विज़िट करता है, उन्हीं के लेक्चर्स को अटेंड करता है, और उसे खबर भी नहीं होती कि वो बहुत ख़तरनाक गुमराह कुन अकायद में मुब्तला होता चला जाता है। तो आप अपने शहर के मुस्तनद उलमा से रुजू कीजिए, मुस्तनद किताबें पढ़िए, हर ज़बान में किताबें आ गईं, पर्सनल बोर्ड ने काफ़ी लिटरेचर अंग्रेज़ी ज़बान में शाया कर दिया, हिंदी ज़बान में शाया कर दिया, अब रीजनल ज़बानों में वो शाया हो रहे हैं। बोर्ड ने अभी हाल में एक सोशल मीडिया डेस्क का इफ्तिताह किया है जिसमें मुसलसल बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर बराबर उलमा के मैसेजेस, शॉर्ट मैसेजेस आते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। तो आप अपनी क़ियादत से जुड़िए, मिल्लत को मरबूत कीजिए, अपनी शरीयत के सिलसिले में अपने इल्म की कमी को भी दूर कीजिए और अमल की कोताही को भी दूर कीजिए, अपनी ख़वातीन को भी इस जानिब मुतवज्जे कीजिए, अपने बच्चों और बच्चियों की अच्छी तरबियत कीजिए, उनकी निगरानी कीजिए। बहुत गंदा माहौल है, मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं,
क्या कैफियत है स्कूलों और कॉलेजों के माहौलों की, आपको अपने बच्चों और बच्चियों की मोहब्बत भरी निगरानी और एक माहिराना तरबियत भी करनी होगी। बस मैं इन कलिमात पर इक्तफा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से आपके दिलों में उम्मीदों का चिराग रोशन हुआ होगा। हरगिज़ मायूसी की बात नहीं है, उम्मीद अफजा बहुत सी बातें हैं। शर्त यह है कि हम अपनी क़यादत से जुड़ें, हम अपने सही जो नॉलेजेबल वाकिफ़ कायदीन हैं हम उनकी इत्तिलात को गौर से पढ़ें सुनें और उसके बाद आगे की तफसीलात उनसे मुलाकातें करके पूछें अपने इलाके में, ताकि उन्हीं खतूत पर आप अब काम को मुनज़्ज़म कर सकें। जज़ाकुम।